हे दोस्तों, क्या आपने कभी द ग्रेट हुडिनी का नाम सुना है? एक फेमस मैजिशियन, इनफैक्ट आप बोल सकते हो वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और ग्रेटेस्ट मैजिशियन का अगर लिस्ट बनाया जाए तो उनका नाम हमेशा आएगा ही आएगा उस लिस्ट में, और आना ही चाहिए बिकॉज उन्होंने अपने टाइम पे ऐसे ऐसे मैजिक ट्रिक्स लोगों को दिखाए थे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अपने आप को हैंडकफ में बांध के एक ब्रिज से कूद जाना रिवर में, या फिर अपने आप को पूरी तरीके से बांध के एक बॉक्स में बंद कर देना, या फिर एक बहुत बड़ी रस्सी जिसमें नेल्स लगे हैं उसको स्वॉलो करना, या फिर एक बड़े से हाथी को गायब कर देना, या फिर अपने आप को बांध के उल्टा लटका के पानी में डुबो देना और उसके अंदर से निकलना, जैसे चाइनीज वाटर टॉर्चर सेल भी बोलते हैं हुडिनी, जिसमें उन्हें उल्टा लटका दिया जाता था पैर हाथ बांध के और उन्हें एक ऐसे बॉक्स में डुबोया जाता था जो पानी से भरा होता था और उसके अंदर से वो अपने आप को कैसे निकालते थे। ऐसी कई सारी अमेजिंग मैजिक ट्रिक्स वो लोगों को दिखाते थे जिसके वजह से वो इतने फेमस हुए। अब इसमें से एक और ट्रिक थी जो वो करते थे, जिसमें वो क्या करते थे कि वो कई सारे स्ट्रांग लोगों को स्टेज पे बुलाते थे और उन्हें जितना हो सकता है उतना जोर से अपने पेट पे पंच मारने बोलते थे ना। इसके अंदर कई सारे बॉडी बिल्डर्स और स्ट्रांग लोग आते थे, हुडिनी को पंच मारते थे लेकिन उनको कुछ नहीं होता था। ये एक्ट भी उनका काफी फेमस था। लेकिन फिर एक बार 1926 में एक परफॉर्मेंस के बाद हुडिनी ने एक ग्रुप ऑफ लोगों को अपने से मिलने बुलाया पीछे। तब उसमें एक पतला सा कैनेडियन स्टूडेंट था, लड़का था जॉर्डन व्हाइटहेड नाम का। उसने ऐसी मजाक में, क्योंकि उसने इतने सारे एक्ट्स देखे थे, अब वो बच्चा था उसने इतनी समझ नहीं थी, उसने क्या किया कि अचानक से हुडिनी को पेट पे पंच मार दिया। अब हुडिनी इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें सच में जोर से लग गई। इनफैक्ट इसके कुछ टाइम बाद उन्हें लगा था सब ठीक हो जाएगा, बट जो दर्द था वो और बढ़ता गया। इनफैक्ट दर्द इतना बढ़ गया कि हुडिनी मर गए। जरा सा बात ये थी कि उस पंच की वजह से उनका जो अपेंडिक्स था वो फट गया था और ये चीज उन्हें समझ नहीं आई। अब ये कहानी से लेसन क्या समझ में आता है? देखो, हुडिनी जो अपने आप को एकदम चेन से बंधवा के रिवर में फेंक देते थे, वहां से भी निकल जाते थे, अपने आप को जिंदा दफना देते थे फिर भी वहां से निकल जाते थे, और ऐसी कई सारी चीजें करते थे, बट वो सारी चीजें वो तब कर पाए थे जब वो उसके लिए प्रिपेयर्ड थे। लेकिन एक बार एक छोटे से बच्चे का पंच, जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, उसने ही उनकी जान ले ली। और ये चीज कई बार हमारी जिंदगी में भी होती है। कई सारे लोगों को ये ना भ्रम होता है कि उनको ना हर चीज पता है कि अरे मेरे को मत सिखा, मुझे सब पता है, ऐसा कई सारे लोग आपको बोलते हुए सुनाई देंगे, जबकि यही एग्जैक्टली है वो पहली चीज जो आपको अपनी लाइफ से निकालना चाहिए अगर आप चाहते हो कि 2024 में आप अपने सारे सपने और अपने गोल्स को पूरा कर सको। क्या एलिमिनेट करना है? एलिमिनेट करना है अपना ओवर कॉन्फिडेंस और अपनी ये मेंटेलिटी कि मुझे पता है। आपको ना अपने अंदर एक स्टॉइक फिलॉसफी लेके आनी चाहिए कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें कैलिफोर्निया से लेसन लेना चाहिए। देखो, कैलिफोर्निया जो जगह है ना, वहाँ पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। अब वो अर्थक्वेक कब आएगा, कैसे आएगा, कितना स्ट्रांग आएगा, ये चीज़ किसी को नहीं पता होती है। बट स्टिल जो कैलिफोर्निया वाले होते हैं वो लोग अपने आप को किसी भी तरीके के अर्थक्वेक के लिए प्रिपेयर्ड रखते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स और ये सारी चीज़ें। और इससे रिलेटेड ही नसीम तालिब भी बोलते हैं, इन्वेस्ट इन प्रिपेयर्डनेस नॉट इन प्रेडिक्शन। कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ ना, वो लोग प्रिपेयर होने के बजाय प्रेडिक्शन पर फोकस करते हैं। आप देखोगे आज कई सारे गैम्बलिंग ऐप्स है जो बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं, नेशनल टीवी पर उनका प्रमोशन हो रहा है। क्यों? बिकॉज कई बार लोगों को लगता है कि वो चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आज कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में इसलिए पैसे डालते हैं बिकॉज उनको लगता है कि वो है ना मार्केट को प्रेडिक्ट करके अपने पैसे को डबल कर सकते हैं, जबकि ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए तो वो प्रेडिक्शन पे नहीं, बल्कि आपको प्रिपेयर्डनेस पे फोकस करना चाहिए। प्रिपेयर रहो वर्स्ट से वर्स्ट टाइम के लिए। और यही है पहला लेसन जो मैंने आपको बताया एक बहुत ही अमेजिंग बुक से, जिसका नाम है सेम एज एवर। आपने द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के बारे में तो सुना ही होगा, एक बहुत ही फेमस बुक है जो बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलर बनी है। उसके जो ऑथर है मॉर्गन होजल, उन्होंने एक बुक लिखी है अभी सेम एज एवर, जिसके अंदर वो बताते हैं ना कि कैसे ना जिंदगी में ना हम लोग कई बार उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो चीज़ बदल रही है, जबकि सक्सेसफुल बनने के लिए हमें इसका अपोजिट करना चाहिए। मतलब हमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो कभी नहीं बदलती। एग्जाम्पल, जेफ बेजोस से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आने वाले 10 साल में क्या बदलने वाला है, आप बता सकते हो? तो उन्होंने इस क्वेश्चन पे कहा कि आने वाले 10 साल में क्या बदलेगा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आने वाले 10 साल में क्या नहीं बदलेगा मैं ये जरूर जानता हूँ, लोगों को 10 साल बाद भी फास्ट डिलीवरी चाहिए होगी और सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट चाहिए होंगे, और मैंने इसी चीज़ पर फोकस किया, ना कि उन चीज़ों पर जो बदलेगी, जिसकी वजह से ही आज मैं बिलियनर बन पाया। सिमिलरली हम लोग भी अगर ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना स्टार्ट करें और उन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करें जो कभी नहीं बदलने वाले, तो ये हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगी। और अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ वही करने वाला हूँ, जैसे मैंने पहला एलिमिनेशन बताया वैसे अभी मैं आपको 6 और ऐसी लेसन्स बताने वाला हूँ, 6 और चीज़ें हैबिट्स बताने वाला हूँ जो आपको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करने ही करने चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका 2024 आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर बने। तो ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू एलिमिनेशन नंबर 2, जो हैबिट को अपनी लाइफ से निकालना है।
1950s में स्टडी करी गई थी, जिसमें पता चला था कि लोगों के जो एवरेज होम साइज होते थे ना, वो लोगों के 33% स्मॉलर थे। एवरेज हाउस होल्ड इनकम जो लोगों की थी वो भी 50% कम थी। और इनफैक्ट लोग जो काम पे जॉब करने जाते थे, 3 गुना ज्यादा चांसेस थे कि वो अपनी जॉब में मर सकते थे। ये हुई एक बात। पर दूसरे साइड एक और चीज बताओ आपको, उसी टाइम पे जब ह्यूमन हैप्पीनेस सर्वे किया गया था 1950s में, तो उससे ये बात समझ में आई कि 1950s में जो लोग थे ना, वो आज के कंपैरिजन में ज्यादा हैप्पी थे। ना ये चीज थोड़ी सोचने वाली है कि यार कैसे लोगों के घर तो बड़े होते जा रहे हैं, इनकम भी बढ़ते जा रही है, जॉब भी है वो काफी कंफर्टेबल होते जा रही है, बट फिर भी आज लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अनहैप्पी है। उसका रीजन पता है क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड द पावर ऑफ सोशल मीडिया। देखो पहले लोग इतने खुश रह पाते थे बिकॉज कंपैरेटिवली सबकी लाइफ वैसी ही थी, लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से हम लोग जब देखते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि यार ये बंदा इतना पैसा कमा रहा है, ये तो इतने खूबसूरत लोग हैं, इनका क्या बिजनेस चल रहा है, इनके पास क्या गाड़ी है, क्या बंगला है, तो ये कंपैरिजन की वजह से क्या होता है कि हमारा हैप्पीनेस, हमारा मोटिवेशन, हमारी एनर्जी सब लो हो जाती है। और इससे रिलेटेड एक फ्रेंच फिलोसोफर भी बोलते हैं 200 साल पहले, उनका एक कोट है कि इफ यू ओनली विश टू बी हैप्पी दिस कुड बी इजीली अकम्पलिश्ड बट वी विश टू बी हैप्पियर देन अदर पीपल एंड दिस इज ऑलवेज डिफिकल्ट। अगर हम लोग सिर्फ अपनी खुशियों पे फोकस करें तो हम खुश रह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग चाहते हैं कि हम दूसरों से ज्यादा खुश रहे, दूसरों से ज्यादा पैसे कमाएं, दूसरों से ज्यादा हमारा स्टेटस हो, और ये चीज सही नहीं है। और ये लेसन को समझने के लिए ग्रेटेस्ट लेसन है स्टीवन हॉकिन का। आपको पता है स्टीवन हॉकिन से जब पूछा गया कि यार आपकी ऐसी कंडीशन है फिर भी आप इतने खुश कैसे रह सकते हो, तब उन्होंने कहा कि जब मेरा डायग्नोसिस हो रहा था ना, तब मुझे लगा कि यार बस खत्म, मेरे एक्सपेक्टेशन जीरो हो गए कि यार अब तो मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं बच सकता हूँ और ऐसे मुझे जीने मिलेगा, तो मैंने अपने हर दिन को एज अ बोनस देखना स्टार्ट किया। मेरे लिए जिंदगी का हर एक दिन मेरे लिए एक बोनस है जिसे मैं खुल के जीना चाहता हूँ, और तब से ही मैं अपने हर दिन को एज अ बोनस समझने लग गया, और जितनी भी चीज़ें मेरे पास है उसे मैंने अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दी। एंड आई थिंक ये एक बहुत ही पावरफुल लेसन है। और इसलिए सेकेंड चीज़ जो आपको आने वाले साल से पहले ही एलिमिनेट कर देना चाहिए वो है कंपैरिजन विद अदर्स। मैं अपने कई सारे स्टूडेंट से मिलता रहता हूँ, सीकेन के व्यूवर्स आप लोगों से भी मैं कई बार मिला हूँ, और मैंने नोटिस किया कि कई बार है ना हम लोग खुश नहीं रह पा रहे हैं। उसका मेजर रीजन यही है बिकॉज हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि यार मेरे वीडियोस पे इतने व्यूज आ रहे हैं, उसके वीडियो पे इतने ज्यादा व्यू कैसे आ रहे हैं, या फिर मेरी लाइफ इतनी खराब क्यों है, उसकी लाइफ इतनी अच्छी क्यों है। मैं देखता हूँ ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, और ये कंपैरिजन मेरे अंदर भी आता है। इसलिए मैं भी आपको एज अ भाई सजेस्ट करूंगा कि ये वाली चीज को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना खत्म करो, तभी आप हैप्पी रह पाओगे। अब थर्ड हैबिट या फिर थर्ड चीज जिसको आपको एलिमिनेट करना है, उसे समझाने के लिए मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा जो सेम एज एवर बुक में बताई गई है, जो स्टोरी है रॉबर्ट वेडलो की। रॉबर्ट वेडलो अगर आपको नहीं पता तो आज तक के सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन है, ही इज द लार्जेस्ट ह्यूमन एवर नोन। ना बेसिकली बात ये थी कि उनकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी ना, वो थोड़ी एबनॉर्मल थी, जिसकी वजह से उनका जो ग्रोथ हार्मोन था वो ज्यादा रिलीज होता था, और वो बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा बड़े होने लग गए। लाइक वो जब 7 साल के थे तब उनकी हाइट 6 फीट की हो गई थी, जब वो 11 साल के हुए तो उनकी हाइट 7 फीट की थी, और जब वो 22 साल के थे तब वो ऑलमोस्ट 9 फीट पहुंचने वाले थे। उनका वेट 500 पाउंड था और उनका जो शूज का साइज था वो 37 था। ना ये चीज को देख के कई बार है ना बच्चों को लगता था कि यार ये आदमी तो सुपर ह्यूमन है, कितना लंबा है, ये ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है जो नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता है, और मीडिया भी कई बार उसे ऐसे ही शो करती थी। बट जो चीज लोग नहीं समझते थे वो ये था, इतना फास्ट और इतना ज्यादा ग्रो होना उनके लिए कोई ब्लेसिंग नहीं बल्कि लिए कर्स था, बिकॉज उनके जो पैर थे वो उनका इतना ज्यादा वेट उठा नहीं पाते थे, इसलिए उनके स्टील के ब्रेसेस लगे थे उनके पैर में, वो ठीक से चल नहीं पाते थे, खड़े होने के लिए भी कई बार उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, और उनके पैर पे इतना प्रेशर आता था जिसकी वजह से उनके पैर में उनको अल्सर हो गया था। प्लस क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ज्यादा ह्यूज थी, इसके जैसे उनका जो हार्ट था वो बराबर ब्लड पंप नहीं कर पाता था पूरी बॉडी में, जो सारे रीजंस मिलके उनकी मौत का रीजन बने। अब ये स्टोरी से मॉर्गन हमें क्या सिखा रहा है? कई बार आपने देखा होगा लोगों को ना फास्ट ग्रोथ बहुत पसंद आती है, उन्हें लगता है कि हम जितना जल्दी जितना अमीर बनेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। बट हिस्ट्री उठा के देख लो टाइम एंड अगेन, जो भी चीज़ बहुत जल्दी बहुत ऊपर जाती है वो बहुत जल्दी नीचे भी आती है, और ऐसा नीचे आती है जिससे कई बार वो लोग उठ ही नहीं पाते हैं। अभी का ही आपको एग्जांपल बताऊँ तो, अभी आपने देखा होगा कई सारे स्टार्टअप्स जो बहुत फेमस हुए थे, जिनका लाइक डेली मैं देखता था उनके न्यूज़ आ रहे हैं, उनके ऊपर वीडियोस बन रहे हैं कि यार ये स्टार्टअप इतना जल्दी इतना ग्रो कर रहा है, इतना ग्रो कर रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि वही सारे स्टार्टअप्स बैंकरप्ट होते जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज अगेन, कई बार बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ इतनी अच्छी होती नहीं है जितनी लगती है। नाउ इसके ऊपर वॉरेन बफेट का एक जोक भी है जो फेमस हुआ था, वो बोलते हैं कि यू कांट मेक अ बेबी इन 1 मंथ बाय गेटिंग 9 वुमेन प्रेग्नेंट। नाउ ये थोड़ा फनी है
बट सच में मैं भी नोटिस करता हूँ कई सारे लोगों की मेंटालिटी आज भी ऐसी है। वो चाहते हैं कि यार कल से जिम जाओ और एक महीने में उनकी बॉडी ऋतिक जैसी बन जाए, या फिर कल से ही वो कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करे और एक दो महीने में उनको हज़ारों व्यूज़ आने लग जाए, या फिर वो कल से बिजनेस स्टार्ट करे और एक महीने में ही प्रॉफिटेबल कंपनी खड़ी कर दे। ऐसा होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है और अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। इसीलिए थर्ड चीज़ जो आपको अपने दिमाग से एलिमिनेट करनी है वो है एलिमिनेट टू मच टू सून टू फास्ट मेंटालिटी। अब आते हैं एलिमिनेशन नंबर 4 पे। आपको पता है जब 1930s में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था तब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लोग लिटरली सड़कों पे आ गए थे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपको पता है वही टाइम पे जो अमेरिकन फैक्ट्रीज थी ना उनका जो आउटपुट था वो 41% से ज़्यादा बढ़ गया था। उसी टाइम पे उन लोगों ने सबसे ज़्यादा हाईवे सिस्टम्स बनाए, इलेक्ट्रिकल ग्रिड बनाए जिसके ऊपर वो लोग आज तक रिलाय करते हैं। ऐसी एक और एग्जांपल बताता हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 बहुत बुरा टाइम था, बहुत प्रेशर वाला टाइम था। एडोल्फ हिटलर की वजह से पूरी दुनिया प्रेशर में थी कि ये सब कुछ बर्बाद ना कर दे, जो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन था। लेकिन गेस व्हाट, इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ही कई सारे इनक्रेडिबल इनोवेशंस हुए, जैसे कि जेट प्रोपल्शन, न्यूक्लियर फिजन, और ये सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट टाइम में बना दी गई। अब ये तो चलो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हो गए, अब हमारा एग्जाम्पल लेते हैं स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स का। हमारे पास पूरा साल पढ़ा हुआ रहता था या रहता है, बट फिर भी हम पढ़ते कब है, जब एग्जाम एकदम ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, जब हमारे पास बहुत कम टाइम रहता है और बहुत कुछ पढ़ना रहता है, और वो टाइम पे ही हम ऐसा पढ़ लेते हैं कि हम पास भी हो जाते हैं, राइट? वेल, ये सारे एग्जाम्पल्स से ऑथर ये बताना चाहते हैं ना कि हम लोग वैसे तो ना हमेशा कंफर्ट के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक जो सबसे बड़े बड़े इनोवेशंस करे गए हैं या सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें ह्यूमंस ने हासिल करी है वो कंफर्ट रह के नहीं करी है, बल्कि वो तब हुई है जब वो लोग ने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करते थे तब। अब देखो, ऑथर ये नहीं बोल रहे कि इसका मतलब है आपको डिप्रेशन में चले जाना चाहिए, दिन भर स्ट्रेस पे रहना चाहिए, नहीं। ऑथर बोलते हैं कि आपको ना एक मिनी वॉर टाइम सिनेरियोस क्रिएट करना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 से 12 हफ्ते आप इंटेंसली फोकस करके अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करो। 3 हफ्ता मतलब फॉर एग्जांपल 21 दिन होता है मिनिमम, इतने दिन आप साइड में निकाल लो और उसमें अपनी पूरी जी जान लगा के किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करो। ऐसा काम करो कि बस ये 21 दिन ही है, 21 दिन में ही आपको सब चीज़ करनी है, और ट्रस्ट मी ऐसी मिनी वॉर लाइक मेंटालिटी और प्रेशर अपने ऊपर डालोगे तभी आप बहुत अच्छी चीज़ें क्रिएट कर पाओगे, प्रोक्रास्टिनेशन, इनडिसीजन, ये सारी चीज़ों को हटाते हुए। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि आप ही कुछ करने वाले हो, जो अल्ट्रा मैराथन रनर्स भी होते हैं ना वो लोग भी सेम टाइप की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। वो जब बहुत भागते भागते थक जाते हैं तो अपने आप को भी यही रिमाइंड कराते हैं कि अभी जितनी मेहनत करना है कर डालो, इसके बाद घर जाके तो आराम करना ही है। इसलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करनी है, हैबिट को जिसे आपको अपनी लाइफ से डिलीट करना है, वो है चेजिंग कम्फर्ट। हम सब लोग हैं ना आजकल बहुत ज़्यादा आलसी हो गए, एक क्लिक पे फूड डिलीवरी हो जाती है, थोड़ा सा अच्छा फील करना होता है तो मोबाइल उठा लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में घुस चुके हैं जिसकी वजह से हम लोग हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं किसी को भी इंसान को सक्सेसफुल बनना है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हार्ड वर्क कैसे कर सकते हैं इसके बारे में एग्जैक्टली बताऊँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो आपको हार्ड वर्क के ऊपर बताऊँ। प्लस मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि हमें ना मिल के 21 दिन का चैलेंज लेते हैं जहां हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, जहां वो मिनी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करते हैं अपने लिए। मैं खुद भी अपने लिए क्रिएट करूंगा और आपके लिए भी क्रिएट करूंगा ताकि हम लोग मिल के ना इस आने वाले साल में कंफर्ट जोन को दूर रख के एक्शंस ले सके और 2024 को अपनी साल का बेस्ट ईयर बना सके। इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो अगेन कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर मैं देखूंगा आप कमेंट में बहुत इंटरेस्टेड हो तो मैं पक्का ये चीज़ नेक्स्ट हफ्ते करूंगा ही करूंगा, ठीक है? अभी आते हैं नेक्स्ट हैबिट या चीज़ जो आपको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करनी है, उसके लिए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑथर शेयर करते हैं। मिड 2010 में कैलिफोर्निया में बहुत कम बारिश हो रही थी जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई थी, बट फिर 2017 में कुछ अनबिलीवेबल हुआ। कैलिफोर्निया में इतनी बारिश हुई कि उनका एक जो लेक है टाहो नाम का, उसमें 65 फीट ज़्यादा स्नो भर गया, वो भी बस कुछ मंथ में, जिसकी वजह से उनका जो 6 साल का ड्राउट का पीरियड था वो पूरा खत्म हो गया। अब लोगों को लग सकता है कि यार ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई थी, जो बहुत अच्छी चीज़ थी उनके लिए, और कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ थी भी। इस साल उन्होंने देखा कि वेजिटेशन में बहुत ग्रोथ उन्हें मिली है, सुपर ब्लूम बोला गया उसे, जहाँ पे जो डेजर्ट्स थे ना वो भी हरे भरे हो गए थे, इतनी बारिश हुई। लेकिन इसकी वजह से 2017 में जो बूम हुआ उसके जैसे 2018 में बहुत बड़ा कांड हो गया। बात ये थी ना कि इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा वेजिटेशन जो हुई थी, जो सूखी ज़मीनों पे भी प्लांट्स उग गए थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि वाइल्ड फायर्स जो कैलिफोर्निया में कॉमन होते हैं वो पहले होते थे तो थोड़े बहुत ही होते थे, लेकिन क्योंकि इस बार इतने ज़्यादा प्लांट्स और ये सारी चीज़ें हो गई थी, इसके जैसे जो वाइल्ड फायर हुआ वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग साबित हुआ, जिसने बहुत सारी चीज़ों को तहस नहस कर दिया और वो बहुत डेंजरस साबित हुआ। ना इससे हमें ऑथर लेसन यही सिखाते हैं ना, एलिमिनेट द नीड ऑफ गेटिंग टू गुड। कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है ना वो कई बार अपने साथ कुछ बुरा चीज़ ज़रूर लेके आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कल को ही आपको करोड़ों रुपए मिल जाए तो आपको लगेगा कि आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, लेकिन ट्रस्ट मी कई बार
वो अच्छी चीज़ बहुत बुरी चीज़ें भी लाती है। और इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल जाके सर्च भी कर सकते हो, जो लोग ना रातों रात अमीर हो जाते हैं, कई बार उनकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट होती है, उनके रिलेशनशिप सारे ख़राब होने चालू हो जाते हैं उनके रिलेटिव से, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स से, और फिर कई बार जो जैसा पहले होता है उससे भी बुरी उनकी हालत हो जाती है। इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल भी ऑथर बताते हैं, विल स्मिथ का। विल स्मिथ ने जब क्रिस रॉक को ऑस्कर्स पे थप्पड़ मार दिया था, तब वो डेंजल वॉशिंगटन के पास गया एडवाइस के लिए। तब वॉशिंगटन ने ना उनको कहा कि एट योर हाईएस्ट मोमेंट बी केयरफुल, दैट्स व्हेन द डेविल कम्स फॉर यू। मतलब जब आपका हाई टाइम आता है, बहुत अच्छा वक्त आता है ना, तब हमें सबसे ज्यादा संभल के रहना चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं है, ऑथर बोलते हैं कि आप हमेशा अच्छे टाइम पे भी पैरानॉइड रहो, नहीं। वो अगेन एग्जाम्पल देते हैं जेफ बेजोस का। जेफ बेजोस का बहुत अच्छा टाइम चलता है, बट स्टिल वो अपने हर दिन को है ना ऐसा देखते हैं कि वो उनका पहला दिन है बिजनेस का, एक स्टार्टअप का न्यू दिन है, जिससे उनका ईगो और हर एक चीज़ लेवल पर रहती है। इसलिए लेसन ये कि एलिमिनेट द एरोगेंस ऑफ बीइंग टू गुड। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ जो आपको एलिमिनेट करना है, डिलीट करना है अपनी लाइफ से 2023 में ही। उसके लिए आपको एक स्टोरी बताता हूँ जिम स्टॉकडेल की। ना जिम स्टॉकडेल जो थे ना, वो हाईएस्ट रैंकिंग प्रिजनर थे वॉर टाइम के, जिन्हें ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। उन्होंने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी थी, बिकॉज कि कहीं इस टॉर्चर की वजह से वो सारी अपनी मिलिट्री की जो इन्फॉर्मेशन है वो उगल ना दे। अब ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस तो थी, बट स्टिल ना जो स्टॉकडेल थे उन्होंने हार नहीं मानी, वो टिके रहे। एंड गेस व्हाट, उन्होंने वो सारे टॉर्चर्स को सर्वाइव करके वो बच भी गए। अब स्टॉकडेल से जब पूछा गया कि यार आप इतने डिफिकल्ट टाइम में थे प्रिजन में, आप कैसे वहाँ से सर्वाइव कर सके, तब उन्होंने कहा कि मैं सर्वाइव कर पाया क्योंकि मैं कभी भी डिप्रेस नहीं था वहाँ पे। मैं हमेशा ये चीज़ को बिलीव करता था कि मैं एक ना एक दिन ज़रूर अपनी फैमिली से वापस मिलूंगा। अब हाँ, इसके अंदर वो एक और चीज़ बोलते हैं कि मेरी इस बात को आप प्योर ऑप्टिमिज्म मत समझना, मैं ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट नहीं था जैसे कई सारे और भी कैदी थे प्रिजन में। स्टॉकडेल बताते हैं कि कई सारे प्रिजनर्स थे जो ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट थे, जो सोचते थे कि यार ये जो क्रिसमस आने वाला है ना, इस क्रिसमस में तो मैं पक्का अपनी फैमिली के पास जाऊंगा। लेकिन जब क्रिसमस आता था और उन्हें दिखता था कि छूटने के चांसेस नहीं है, तो इससे उनका जो स्पिरिट था वो क्रश हो जाता था, और कई बार ऐसे लोग मर जाते थे क्योंकि उनका दिल पूरी तरीके से टूट जाता था। इसीलिए ना वो बताते हैं कि हमें ना एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर हमेशा एक स्ट्रांग फेथ तो होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए जो रियलिटी को एक्सेप्ट करना जान सके, और यही है लेसन। नेक्स्ट चीज़ जो आपको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करनी है, डिलीट करनी है, वो है ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म। देखो, ऑप्टिमिज्म, फेथ, ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है, बिलीव बहुत पावरफुल चीज होती है जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए ये। लेकिन ये जो फेथ है, बिलीव है, वो ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। जैसे ऊपर वाले पे बिलीव करना, फेथ रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं ऊपर वाले में बहुत बिलीव करता हूँ, मैं पांचवें माले से कूद जाऊँगा मुझे कुछ नहीं होगा, तो ये ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म है जिसे आपको अपनी लाइफ से निकालना चाहिए। अब आते हैं लास्ट हैबिट पे, एलिमिनेशन पे, जो आपको अपनी लाइफ से निकालना है। जॉन मेनार्ड कीनस, न्यूटन के बहुत बड़े फैन थे आप बोल सकते हो, उन्होंने एक बार ना ऑक्शन में आइजैक न्यूटन के सारे ओरिजिनल पेपर्स जो बहुत टाइम तक कैम्ब्रिज में छुपा के रखे हुए थे, जो दुनिया ने कभी नहीं देखे थे, उसका ऑक्शन हुआ। तब उन्होंने अच्छी बिडिंग करके वो सारे पेपर्स को खरीद लिया। ना ऑब्वियसली न्यूटन को वर्ल्ड का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट ह्यूमन बीइंग कहा जाता था, और केनेस भी जो थे वो उनके बहुत बड़े फैन थे। वो बिलीव करते थे कि यार ये बंदा तो पूरी तरीके से साइंटिफिक ही होगा। लेकिन जब उन्होंने न्यूटन के पेपर्स पढ़े, तब उन्हें पता चला कि जो न्यूटन भी थे ना, वो एल्केमी, सॉसरी और क्वेस्ट फॉर इटर्नल लाइफ, ऐसी सारी चीज़ों में बिलीव करते थे। अब ये चीज़ केनेस के लिए काफ़ी शॉकिंग थी। ना केनेस जानते थे कि जो न्यूटन है ना, वो बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन वो मैजिक और ये सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहेंगे, वो सब चीज़ें उन्होंने कभी सोची नहीं थी, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो उनका जो दिल था वो काइंड ऑफ टूट गया। इससे रिलेटेड ऑथर हमें ये बताते हैं ना कि कई बार है ना, हम लोग है ना अपनी लाइफ में परफेक्ट रोल मॉडल ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हमारे हिसाब से ये इंसान एकदम परफेक्ट है और ये हर चीज़ जो करता होगा एकदम परफेक्ट करता होगा। बट बात समझने वाली ये है कि परफेक्ट हर इंसान के लिए अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शायद आपके लिए चाय में एक चम्मच शक्कर बहुत होगी, वो परफेक्ट होगी, वहीं दूसरे इंसान के लिए चाय में दो चम्मच शक्कर परफेक्ट होगी। ऐसे हर इंसान के लिए परफेक्ट का डेफिनेशन अलग हो सकता है। इसलिए आप कभी भी किसी इंसान को परफेक्ट नज़रों से मत देखो कि यार ये इंसान तो आपके हिसाब से हमेशा परफेक्ट ही होगा। अगर आप इस तरीके से रोल मॉडल ढूंढने जाओगे, तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग फॉर डिसअपॉइंटमेंट। जबकि हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि जो इंसान जो फील्ड में अच्छा है, हमें सिर्फ उस फील्ड से रिलेटेड रोल मॉडल अपने लिए बनाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक इंसान है जो बिजनेस में बहुत अच्छा है, तो आप उससे बिजनेस के लेसन सीखो। मे बी रिलेशनशिप के लेसन आपको उससे नहीं सीखने चाहिए, बिकॉज वो अपनी रिलेशनशिप लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हो। इसीलिए लास्ट चीज़ जो आपको अपनी लाइफ में एलिमिनेट करनी है, वो है ट्राई टू एलिमिनेट द नीड ऑफ बीइंग परफेक्ट एंड सर्चिंग फॉर द परफेक्ट। बस यही कुछ ग्रेट लेसन थे सेम एज एवर बुक में। नाउ मॉर्गन ने इस बुक में कई सारी ऐसी अमेजिंग अमेजिंग स्टोरीज और लेसन बताए हैं,
जो टाइम एंड अगेन पूरी हिस्ट्री में सेम रहे हैं ह्यूमंस के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड और वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को एटलीस्ट 10,000 लाइक्स तक तो जरूर पहुंचा देना। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप लोग भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो तो इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि हम कुछ आने वाले साल में धमाकेदार करते हैं, मिलके साथ में कुछ है ना 21 दिन का साथ में चैलेंज लेते हैं। इससे रिलेटेड मेरे दिमाग में तो कुछ आइडियाज़ है, बट मैं चाहूंगा कि आप भी कमेंट करके बताओ आपके दिमाग में क्या आइडियाज़ है जो हम आने वाले नए साल में साथ में ले सकते हैं। आपके भी आइडियाज़ को कंसिडर करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ दो चीज़ें। पहला, कैसे हम एग्जैक्टली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हार्ड एक्शंस ले सकते हैं, वो भी इजी तरीके से। कैसे हम अपने ब्रेन को ट्रिक कर सकते हैं ताकि हम हार्ड काम कर सके, ये बताऊंगा पहला। इस चीज़ को करने के लिए मेरा क्या प्लान है आपके साथ, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो नेक्स्ट हफ्ते का वीडियो जरूर चेकआउट करना। और देखो, एक और चीज़ है, इस वीडियो में मैंने कई सारी चीज़ें जो मेंटालिटी और सारी चीज़ें बताई है एलिमिनेट करने वाली, वो स्टोइक फिलॉसफी से रिलेटेड बताई है। मतलब बेसिकली अगर आप अपनी जिंदगी में स्टोइक फिलॉसफी को लाना स्टार्ट करोगे तो आप ये सारी लेसन्स को और ज़्यादा प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।